नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हमारे पास एक ग्लैमर बाइक आई है, ये FI वाली गाड़ी है, BS6 गाड़ी है। और ये गाड़ी जो है कस्टमर हमारे पास ठेल कर लाए हैं। ये बाइक में जो है प्रॉब्लम है, ना ही ये सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है, ना ही किक से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे। इसमें जो है कितना खर्चा आएगा उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें जो है पिकअप का भी प्रॉब्लम है, जो कि इसका पिकअप नहीं आ रहा है। गाड़ी बोल रहे हैं कस्टमर की 20-30 से ज़्यादा स्पीड नहीं भाग रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों का गाड़ी में यदि ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को हम बताएंगे कि कितने खर्च लगेंगे इसमें, और कौन कौन सा पार्ट्स इसका डैमेज हुआ है जो कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, किक से भी नहीं हो रहा है। तो देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए बाइक का हम चाबी ऑन करते हैं तो यहाँ से ये बैटरी जो है लो होने के कारण सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा है गाड़ी। और यहाँ किक भी लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं किक जो है एकदम फ्री जा रहा है, इसका किक जो है काम नहीं कर रहा है, इसका पिस्टन वगैरह को नचा नहीं पा रहा है, ये सिर्फ किक जो है यहाँ स्लिप कर जा रहा है। तो इसका मतलब जो है इसका क्लच प्लेट अंदर का जो है जल गया है। तो इसका क्लच प्लेट का हम ये कवर खोलेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका क्लच प्लेट का क्या स्थिति, इसमें पिकअप थोड़ा भी नहीं आ रहा है। जिस बाइक का ये किक जो है स्लिप करने लगे, कोई भी बाइक है आपके पास, तो समझ लीजिए कि इसका क्लच प्लेट जो है जल गया है। इसका इंजन वायल जो है हम ड्रेन कर लिए हैं पहले, आप लोग देख सकते हैं इतना इंजन वायल निकला है। क्लच को ओपन करते हैं, अब आप लोगों को दिखाते हैं। क्लच कवर की सारी बोल्टों को हमने खोल ली है, अब इसको हम क्लच कवर को जो है बाहर निकालेंगे। वायल फिल्टर का भी 3 नट बोल्ट होता है, इसको भी खोल लेंगे। और वायल फिल्टर को जो है रिप्लेस करना है, हर एक सर्विस में जो है खोलवाते समय। इसको हम खोल लिए हैं और इसका क्लच केबल का आप लोग स्थिति देख सकते हैं। यदि क्लच केबल आपका ये ख़राब रहेगा तो क्लच रिटर्निंग सही से नहीं हो पाएगा। और ये क्लच केबल का आप लोग स्थिति देख सकते हैं, इसी कारण जो है क्लच प्लेट जलने का कारण होता है। क्लच जो है सही से शिफ्ट नहीं हो पाता है, क्लच छोड़ देने के बाद भी क्लच में चलता है गाड़ी, ये जो है जाम रहने से फंसा हुआ रह जाता है। अब इसका क्लच प्लेट हम खोलेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें क्लच प्लेट जो है ये TVS कंपनी का, हम अपाची का क्लच प्लेट इसमें डालेंगे, वही क्लच प्लेट इसमें लगता है, 5 क्लच प्लेट। इससे जो है इसका पिकअप काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। 820 रुपये का ये क्लच प्लेट है और इसका भी क्लच प्लेट 750 के आसपास में आता है, तो हम इसको डाल रहे हैं। थोड़ा सा ये महंगा है लेकिन इसका पिकअप जो है अच्छा रहेगा। इसका क्लच प्लेट खोलने के लिए ये लिफ्टर प्लेट की 3 बोल्ट को हम खोल लेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं इसका क्लच प्लेट का क्या स्थिति हो गया है। किक स्लिप करने का कारण यही होता है, जो क्लच का डिस्क जो है घिस जाता है। देखिए इसका सिस्टम जो है अलग है पहले वाला ग्लैमर से, इसका जो है खड़ा इंजन है और पहले वाला जो है नीचे पॉट इंजन होता था, तो उसमें जो है 6 स्प्रिंग लगता था, इसमें 3 ही स्प्रिंग दिया है कंपनी ने। देख सकते हैं क्लच असेंबली जो है बाहर इसका निकाल लिए। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं, ये वार्सल को हटा देंगे और देख सकते हैं इसका सेंटर का भी स्थिति खराब हो गया है, ये कट चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये पूरा जो है लाइनिंग दाग दिख रहा है। ये क्लच सेंटर भी इसका ख़राब हो चुका है और क्लच प्लेट का आप लोग हाल देख सकते हैं, इसका पूरा जो है घिस गया है। उसके कारण ये पकड़ नहीं रहा था, उसके कारण किक स्लिप कर रहा था और बाइक में जो है पिकअप ही नहीं था। इसका क्लच प्लेट का स्थिति देख सकते हैं। और इसमें भी स्क्रैच हो गया है, क्लच हब में भी कटा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जो है घिस गया है। ये पूरा असेंबली ही इसका चेंज होगा, उसके बाद इसका जो है किक का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और पिकअप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसका क्लच असेंबली जो है 1200 करीब में आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। और ओरिजिनल हीरो का लीजिएगा तो ये अलग अलग पार्ट करके आएगा, तो उसमें आपको जो है 1500 रुपये करीब में लग जाएगा इसका चेंज कराने में। तो इसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसके साथ साथ इसका इंजन वायल भी चेंज होगा, इसका पैकिंग लगेगा, लेबर चार्ज लगेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना खर्च इसमें आ जा सकता है। इंजन वायल तो आप लोग बार बार कराते हैं तो पता ही होगा कि कितना पैसा लगता है। तो इतना जो है सामान चेंज करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यदि आपके पास कोई भी गाड़ी है तो उसमें जो है पिकअप का प्रॉब्लम आता है या किक स्लिप करने का प्रॉब्लम आता है, तो ये क्लच प्लेट जो है ख़राब हो जाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आने लगता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हर एक गाड़ी के विषय में इस पर हम बताते रहते हैं। तो मिलता हूँ दूसरा वीडियो में एक और जानकारी के साथ आप लोग।